हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा बुशरा, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर ले। हाँ, और हमने भाई एक व्लॉग अपलोड किया, वो भी नहीं देखा तो वो भी जाके जरूर देखना। आज की वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं भाई सास और बहू जो मिलकर है ना, हम स्कूटी पे जो बहू है ना अपनी सास को लेके जाने वाली है। जैसे मैं आपको बाइक पे लेके जाती हूँ ना बाहर, वैसे ये उनको लेके जाने वाली है। अभी देखते हैं भाई इनमें दोनों में इतना जाएंगी स्कूटी पे। स्कूटी पे हमारे पास तो बाइक है ना, इनके पास स्कूटी है, तो स्कूटी पे इनको बाजार लेके जाने वाली है। तो सास बोल रही है कि तुम मुझे कहीं गिरा ना देना, तो अभी देखते हैं भाई। हालांकि इनका बहुत ज्यादा प्यार आपस में, बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। ऐसा करते हैं वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। महक के व्लॉग की वीडियो है, वो भी जाकर जरूर देखना। देखते हैं आज वीडियो चलते। मतलब मम्मी को एक्टिवा में बिठा दूं गाइस, तो मैं तो एक्साइटेड हूं। और मम्मी डरी भी है, महक बैठ चुकी है और मम्मी को डर बना हुआ है। ध्यान रखना हो। फर्स्ट टाइम कैफे आई है मम्मी, क्यों मम्मी? फर्स्ट टाइम है ना। और ये कैफे कौन सा है गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आज तक आपने चिली पनीर नहीं खाया ना, वो उसको चम्मच से काटे वाली जो चम्मच है ना। गाइस हमारा फाइनली मसाला डोसा आ चुका है। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम मम्मी को लेके कहीं पे जाने वाले हैं। ये देख सकते हो कि मम्मी और दोनों रेडी बैठे हुए हैं। मम्मी तो नहीं जा रही, लेकिन मम्मी को मम्मी मान ही नहीं रहे गाइस, आप बताओ। तो आप मम्मी को रेडी करा है और महक तो रेडी हो ही गई है। हम लोग सब रेडी, इधर देख सकते हो सोहन भी रेडी हो चुका है। अभी हम लोग चारों मिलके जाने वाले हैं गाइस। पर आज स्पेशल बात पता है क्या है, कि महक स्कूटी चला के लेके जाने वाली है। और ये सबसे बड़ा खतरों का खेल होने वाला है आज। क्यों मैं के साथ नहीं बैठा? डर लगता है मेरे को। अरे कहीं नहीं, चला लेगी वो तो, चलाती है ना मैं अच्छे से। हाँ। जब वो बुलेट चला सकती है तो फिर स्कूटी के मुझे डर लगता है। साथ ही बैठूंगी मैं तो, है ना? फर्स्ट टाइम बैठे तो अच्छा लगता है। मतलब फर्स्ट टाइम बैठा डर लग रहा है। चला लेगी, डर लगता है लड़कों को भी खास तौर पे, के लड़कियों के पीछे बैठने के। ट्रायल होगा महक का काफी टाइम के बाद, मतलब मुश्किल से 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के बाद अब चलाएगी महक, क्यों? अरे मम्मी बेचारी डरी हुई आज। चलो चलो गाइस, निकालते स्कूटी, दिखाते हैं आपको आगे। देख सकते हो कि ये खड़ी हुई है हमारी स्कूटी, और अभी आने वाले हैं घर वाले। एक इधर गए, मैं एक आ जाओ, रेडी हो ना? मैं तो रेडी हूं, मम्मी नहीं है। क्या हुआ? थोड़ी डरी डरी से। कोई नहीं, भाई ना सास बहू का साथ पहली बार होने वाला है, पहला ट्रायल। चलो आओ, फर्स्ट टाइम मतलब मम्मी को एक्टिवा में बिठा दूं गाइस, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। और मम्मी डरी भी है। नहीं गिराएगी यार महक, है ना महक? नहीं गिराएगी, भरोसा करो। भरोसा तो रखना पड़ेगा, क्यों मम्मी? ये तो सही, तो संभालने वाले मेरी धड़कन बढ़ती है। धक 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 हो रही है। ओ मम्मी डर रहे हो, मेरे को डर लग रहा है। नहीं मत रखो, चलो देखते हैं। और फिर क्योंकि देखो आगे चल के तो मार्केट वार्केट का जो भी काम है वो तुम दोनों को ही तो निपटाना है मम्मी। वो फिर धीरे धीरे बाद की बात देखेंगे, पर अभी तो एक बार बैठे, दो बार बैठे, एक बार बिठा लो ताकि मम्मी का भी डर निकल जाएगा। चलो आओ। सो गाइस, ये खड़ी हुई है हमारी स्कूटी और अब महक चलाने वाली है इसको। रेडी हो? यस। तो गाइस अभी महक बैठ चुकी है और मम्मी को डर बना हुआ है। ध्यान रखना हो, थोड़ी सी देर चलाएगी बस। अच्छा, चला पाओगी अच्छे से? मम्मी डर तो नहीं लग रही है, क्यों डर तो लग रही है? तुमको नहीं, मम्मी का पूछ रही है। चलो बैठो बैठो, हम बैठ गए। चलो ये इसकी चाबी तो दो ही, चाबी नहीं, चाबी नहीं मिलेगी, बिना चाबी के चलती हो। हम हो रहे हैं स्टार्ट। मम्मी को अलग डर लग रही है गाइस, फर्स्ट टाइम सासू माँ को लेके चली बहू रानी। चलो चलो, सही चलाती है ना मम्मी, सही चला रही है। अच्छे चला रही है ना? सही चला रही है ना मम्मी, सही बड़ी होंगी स्कूटी। एक एक नहीं मारनी पैंती, बटन नहीं होना।
आज मुझे तो मजा आ गया। आह क्या बात है, मजा आ गया यार देख के। चला ली ना चोरी, थोड़ा ठीक लगा। ठीक लगा, ठीक लगा, चलाई मैंने अच्छा चला ली। कैसा लगा? मजा आ गया, मजा आ गया। हम रुके भी हैं मंदिर के सामने, ये सही टाइम। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, कैफे लेके आए मम्मी को, फर्स्ट टाइम कैफे आई है मम्मी। क्यों मम्मी? फर्स्ट टाइम है ना। और ये कैफे कौन सा है गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सीक्रेट जगह है हमारी। हाँ सीक्रेट जगह, मैं और हम दोनों यहीं पे आते थे, यही हमारा कैफे है। चलो चल के दिखाता हूँ गाइस आपको। हाँ पुराना हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कोई मेंबर वेम्बर कोई भी नहीं दिख रहा, देखो सूना पड़ा हुआ है। पुराना ही हो गया है, पहले अच्छा था। ठीक है साहब आप नहीं, गार्डन है ये क्या? हाँ पहले अच्छा, बहुत अच्छा था, सफाई भी अच्छी थी, लेकिन पुराना पुराना बहुत लग रहा। मतलब आज मम्मी का दिन है तो मम्मी आज क्या खाओगे बताओ? मम्मी का दिन तो ठीक ही है, मेनू के नाम पे क्या है? ये तेरे वो बोल रहा है, तेरा तो कुछ नहीं है। अरे वो ऐसा बोल रहा है कि मेनू के नाम पे क्या फटा, वो तो अब पार्सल कर लो यहीं यही पार्सल कर लो इसके अंदर। अब वो पुराना कैफे हो गया, मैं क्या बहुत ज्यादा है ना, पहले नए नए थे तो उस टाइम बहुत चलते थे। देखो क्या है यहाँ पे, ये यादें दिखाने गाइस। आप देखोगे कि हमारे चैनल पे एक बार जाके विजिट करना, तो ये पर्दा आपको दिख जाएगा, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि हम महक ने जो बुरखा पहना हुआ था, तो वो वाला पर्दा आपको ये नजर आ जाएगा। देखो क्या क्या है भैया इधर, पिज्जा बर्गर वो नहीं है, चिली पनीर। मानो आंटी मैंने पिज्जा बर्गर खाना, मेरी मां चिली पनीर ही खाना है, है ना? हाँ माओ को ना देसी खाना पसंद है। मंचूरियन तो क्या क्या है भैया आप ही बताओ। पिज्जा बर्गर सैंडविच हो पाए, सैंडविच सैंडविच खा लेंगे। पिज्जा मुझे से क्या पूछो, मम्मी से पूछो। मम्मी क्या खा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो खाया नहीं कभी, फर्स्ट बार ही खा रही हूं मैं तो। चिली पनीर जरूर खाया मैंने। तू कुछ कर ले भाई। अरे मैं तो सब खा लेता हूं, मैं तो सब खा लेता हूं, ना खाऊं बस। मैं बताओ मुझे पता ही नहीं है गाइस, मम्मी तो बता नहीं रही है, मैं तुम बता दो अब यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो जो उनको खाना वो खिलाओ ना, तो क्या है कुछ भी। पिज्जा चलेगा? पिज्जा नहीं खा रही मैं। फिर क्या खाना? वो बागेश्वर जी बोलते थे पिज्जा खाते शख्स हैं, क्यों निकलता है। क्या 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 गंदा, तूने तो मतलब पिज्जा का तो मूड ही खत्म कर दिया तुमने। पिज्जा तो चले, क्या चलो चले, नहीं मिल रहे क्या? यहाँ यहाँ पे नहीं खाना मुझे, मुझे कैफे अच्छा पता, चलो यहाँ का ऐसा। हाँ ऐसा करे गाइस, ये कैफे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, चलो चल के देखते हैं फिर दूसरे कैफे में चलते हैं, क्योंकि देखो मम्मी की इच्छा है तो उसको पूरा करेंगे भाई। चिली पनीर खिला के ही रहेंगे। चलो गाइस चलते हैं फिर दूसरा कैफे, जो भी होगा तो फिर दिखाते हैं आपको आगे। गाइस अभी हम लोग कैफे में पहुंच चुके हैं और मम्मी को फर्स्ट टाइम लेके आए। मम्मी बैठो, ये अच्छा कैफे है ना, मैंने निकाली आपके लिए। बहू ने निकाली है तो बहू की कुर्सी पे बैठो ना अच्छे से। ये देखो भाई सेवा चल रही है, बहू सेवा कर रही है, मम्मी आपकी है ना। ये आगे तक सेवा चलेगी कि अभी तक चल रही है? क्यों हमें सेवा करेगी, जब तो मेवा मिलेगा। हाँ बैठो बैठो, ये लो, ये देवर, ये देवर धर्म निभाते हुए सोवन। तभी मम्मी ने तो चूज करा हुआ है चिली पनीर और पनीर और मसाला डोसा, सोवन भैया ने पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, और मैंने नहीं करा अभी, अभी कुछ नहीं करा है महक ने तो, है ना। हाँ महक तुम्हें नहीं मिलेगा आज, चलेगा चलेगा। हाँ आज मम्मी का ही मम्मी का दिन है तो मम्मी को खिला देते हैं। ऐसे भी तुम क्या खाती हो, है ना? लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि मदर डे या वुमन डे, हमारा नहीं, हम तो रोज डे रोज मदर डे, उसका तो कोई टाइम ही नहीं है, चाहे जब कुछ भी ला दो। हाँ कुछ भी खा लेती हो, खा लेती हूँ ना। अभी देखो यहाँ पे प्लेट्स भी लग चुकी है, प्लेट आप पहले सर्व करने, यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि खाने को देख के पता चल जाएगा। प्लेटें लग चुकी हैं, तो देखते हैं अगर टेस्ट कैसा है। हाँ ये नया नया खुला है गाइस, तो फर्स्ट टाइम आए मम्मी को लेके यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। हमारा चिली पनीर आ चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे, और ये बर्गर भी आ गया है, मैक का बर्गर लास्ट मंगाया था गाइस, लेकिन फर्स्ट है ना, क्योंकि वो इजी रहता ना बनाना। मम्मी आज तक आपने चिली पनीर नहीं खाया ना? मतलब सेकंड बार है, मतलब मम्मी की फेवरेट हो गई जब से, तबीयत खराब हो रही थी जब वो लाया था, जब लाया था है ना, मतलब मम्मी इतनी मुश्किल से बाहर ही नहीं जाते हैं, बाहर तो खाते भी नहीं, लेकिन घर पे लेके आया था, आज लेकर आए। हाँ तो आज फाइनली मम्मी को लेके आएगा इस रेस्टोरेंट में, है ना। हम तो सोचा था शमशान कैफे पे जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आ गए
हाँ अच्छा नहीं अच्छा, ये भी अच्छा बना हुआ है, देख सकते हो आप, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये भी है ना भैया ने बोता है। अच्छा हाँ, वो वहाँ पे डिजाइन भी जीवन भैया ने करी। प्लेट में ले लो, प्लेट में डाल लो, मैं डालू क्या, लाओ दो ले, सर्व करो ना मैं एक अच्छे से मम्मी को। हाँ यार, फिर क्या मतलब होगा, मैं को भी दे दो बोटिया खाने तो ये पनीर है, पनीर बड़ा मजेदार है। हमदा चोरी हो रही है उनके इसमें से, मैं चोरी करूंगी। लो मम्मी टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा। चलो मम्मी, हाँ टेस्ट करो ना, टेस्ट करके बताओ कैसा, फिसल तो रहा है वैसे ही। वो उसको चम्मच से कांटे वाली जो चम्मच है ना, ऐसे देखो बोल नहीं सा, ऐसे खिलाओ एक मम्मी को खिला लो। गरम तो नहीं है, कैसा लगा, अच्छा है, मजा आया, चलो बस। हाँ तो कोई नहीं, सब टेस्ट करेंगे। मैं तुम्हारा फ्रेंच फ्राइज और बर्गर कैसा है, बड़ा प्यार आगे देखो, बहुत प्यार है भाई, नजर ना लगे कभी किसी को। अच्छा है, मम्मी ये से लो, बहुत अच्छा मानना पड़ेगा, कैफे है, है ना। हाँ मतलब जिस हिसाब से कैफे ये रेस्टोरेंट अच्छा बना हुआ है, टेस्ट भी तो होना चाहिए। पापा आ जाएंगे ना तो फिर फैमिली के साथ भी जाएंगे, फिर चलेंगे एक बार, है ना। अच्छा लगा ना मम्मी, क्या अच्छा बोल नहीं पा रहा है। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, मैं अच्छा लग रहा है। हाँ यार भाई, हमारे तो ऑर्डर ही नहीं आए अभी तक, क्यों सोन कहाँ गए, चिली पनीर फिनिश हो गया गाइस, चिली पनीर फिनिश हो गया लेकिन अभी तक हमारा मसाला डोसा नहीं आया यार, क्यों तेरा भी नहीं आया ना। गाइस हमारा फाइनली मसाला डोसा आ चुका है, खाएगा तू, मैं ही खाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि देखो टेस्ट से यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको। करो टेस्ट। आई विल ट्राई। नहीं पा अच्छा कहीं कोई। बड़ी मेल दी है ना? माँ आते हुए। ये नारियल अन्ना। मजा आ गया। ये सारी चीजें ये अच्छा बनाया। एक बार ट्राई करो। मम्मी बहुत बढ़िया है। ले मैं खिलाऊंगा। मम्मी बहुत अच्छा। हाँ मम्मी को खिला। साउथ इंडियन डिश है मम्मी। हाँ मेरे को बहुत पसंद है साउथ इंडियन, इसीलिए। क्या बात, अच्छा है, अच्छा है। आलू डला है इसमें अंदर। मैं तुम खाओगी, खा के देखो एक बार, मजा आएगा। इसमें मत खाओ के, इसमें ले लो रेसी गाइस। आप देख सकते हो व्हाइट सॉस पास्ता आ गया और सोहन भाई का सबसे लेट में आया और फाइनली ये सब फिनिश हो गया, ये खत्म हो चुका है। एक एक करके से आ ले आने में मेरी अपनी अपनी तो बातें सुना दे रही थी, लास्ट हुआ क्यों चलो, दिखने में तो अच्छा लग रहा है पर एक बात है, मैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा बना, अच्छा बना, मैं मम्मी के लिए तो फर्स्ट टाइम होने वाली है सारी चीज़ें। मैं हाँ कैसा लगा, नहीं अच्छा लग रहा, अरे यार क्या हुआ सही। इस खाना हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है, अभी देखो नाइट भी हो चुकी है, बाहर भी नाइट हो चुकी है और मम्मी को बहुत अच्छा लगा हम दोनों के साथ में आके, क्योंकि फर्स्ट टाइम मम्मी ने सोचो आपके चिली पनीर खाया है हमारे साथ में, मतलब एक बार मम्मी ने बताया कि एक बार सोहन लेके आया था लेकिन उसके बाद में फर्स्ट टाइम मम्मी ने अब खाया मैक, मतलब उनकी बहू ने चिली पनीर खिला दिया उनको। मम्मी बोल रहे थे कि यहाँ पर लेकर आए, मुझे बताना तो था और अच्छे से रेडी हो गया। अब लेकिन हम लोग तो सडन लेके आ गए, लेकर आ गए, लेकिन मैंने बोला पूरी फैमिली, पापा आ जाए ना फिर पूरी फैमिली आएंगे और अच्छे से आएंगे और फिर अच्छे तरीके से डिनर करेंगे साथ में। बहुत अच्छा लगा मम्मी के साथ में आके, यहाँ पे देखने चलेगा मूवी, देखने चलेगा, चलो आप मम्मी से पूछ लो, मम्मी तो मम्मी मूवी देखने चलेगा नहीं, मेरा भी मन नहीं है, नहीं है
बाद में आएंगे पापा के साथ। बाद में आते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। अभी चलते हैं यहाँ से। चले हाँ चलो चल के दिखाते हैं फिर आप। अभी कौन सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। हम घर आ चुके हैं और बहुत मजा आया मम्मी के साथ जाकर। आपको कैसा लगा मम्मी मेरे साथ जाके? अच्छा लगा। हाँ गाइस मम्मी को मतलब मम्मी और हम दोनों फर्स्ट टाइम बाहर गए थे घूमने के लिए और बहुत मजा आया मुझे तो। बस एंजॉय करा हमने। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बोल दो मम्मी लाइक कर देना। लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइस। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की भाई व्लॉग था। बड़ा मजा आया देखने में। और मुझे सबसे अच्छा पार्ट वो लगा जब वो स्कूटी पे बैठ के अम्मी जा रही थी। कितना अच्छा लग रहा था। अम्मी मुझे बोलते कि तुम ना मुझे बाइक सिखा दो। मैंने कहा अम्मी ये जो किक मारना ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बाइक की। तो स्कूटी जो होती है ना उसका सिर्फ एक बटन होता है, वो आपको इस तरह से ऑन करना और वो चल पड़नी है। इतनी मतलब ईजी स्कूटी होती है। इस वजह से ना ज्यादातर उन्होंने स्कूटियां जो होती है ना वो बनाई होती है ताकि लोगों को ना हाँ टांगों में कुछ को दर्द भी होती है। तो वैसे भी बहुत ज्यादा ना इजी हो जाती है लड़कियों से। कुछ कई बार होता है ऐसा कि हार्ड किक होती है तो बजती भी नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ना इजी काम कर दिया हुआ है। जो बड़ी एज किस समय थी है किसकी स्कूटी? उसकी होती ही नहीं है। आपको बता तो रही हूँ उसकी नहीं होती। बस ये जैसे ये एक बटन है मेरे सामने ऐसे मैंने ऑन करना बटन और स्कूटी चल जानी है। बस बंद कर सकते आपने हाँ उसको बंद करना तो वो खड़ी हो जाएगी। और उसको स्पीड कम करने का भी सब कुछ होता है उसमें सारा सिस्टम ना होता है। बहुत इजी होती है ये बाइक में। देखा गुर 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 पता नहीं कैसी आवाजें भी आती है उसमें। कोई आवाज भी नहीं आती इतनी स्मूथली वो चलती है ना। बड़ा ही मजा आता है वो स्कूटी चलाने में। तो बाइक हमारी तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। अच्छी है इधर बहुत अच्छी है हमारी बाइक। हम बैठ के जाते हैं बहुत मजा आता है। अम्मी अम्मी मैं सही चलाती हूँ। हाँ बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ खड्डे में ना डाल देती हूँ डाल देती है आराम से। मैं ना जब भी चलाती हूँ उठे मार देगी जान के स्थान ले। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कभी क्यों नहीं फोन चल तो सही हो जाएगी। अभी कह रही है कि भाई मैं जानबूझ के खड्डे में डाल देती हूँ। अभी मुझे बना खड्डे में ना डाल देना खड्डे में ना डाल देना। लेकिन हमारी कंट्री की माशाल्लाह से सड़कें ही इतनी अच्छी हैं इतनी अच्छी है कि खड्डे पे खड्डा खड्डे पे खड्डा। एक जब आप अभी जा रहे हो ना तो आप कुछ देर बाद जाओगे तो आपको चार पांच और खड्डे मिल जाएंगे कि वो नए पैदा हो गए होंगे वहां पे खड्डे। तो मुझे नहीं पता होता। आपको पता है जब एक रास्ते से रोजाना आते जाते हो ना आप अवेयर हो जाते हो कि यहाँ पे ये खड्डा आने वाला है। तो इस तरह से जब हम थोड़ी देर बाद ट्रेवल करते हैं ना तो खासतौर पर जब रात थोड़ी सी हो जाती है तो सामने जब खड्डा होता है ना तो वो नजर नहीं आता। आप ना स्पीड से आ रहे होते हो और जब वो बिल्कुल पास में आ जाते ना तब पता चलता है। तो वो तब वो उसकी स्पीड उसकी स्पीड भी कम नहीं होती। लेकिन मैं बहुत ही मतलब इतनी ध्यान से चलाती है बहुत ध्यान से। अम्मी को साथ में हो ना तो मैं बहुत केयरफुली चलाती हूँ कि कहीं पे कुछ हो ना जाए। लेकिन मैं जब अकेली होती हूँ तो मैं ऐसे उड़ती हुई जाती हूँ। मैं तब नहीं ना खड्डा देखती ना कुछ बस स्पीड से चलाई जाती क्योंकि मुझे पता था मैं अकेली हूँ। लेकिन मेरी अम्मी साथ हो ना जब या फिर अम्मी के अलावा कोई और भी मेरे पीछे बैठा हो तो मेरी यही कोशिश होती है कि इस बंदे को ना कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए पीछे बैठे हुए को। लेकिन भाई इनका प्यार देखे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इतनी खूबसूरत फैमिली है ना मतलब के हंसता उनके हमें जो सास है ना उनकी स्माइल इतनी स्वीट अच्छी है जैसे जैसे बाबत लग रही है। सही बात है इतनी प्यार से भी ऐसे लगती है। हाँ शक्ल से भी लगता है और प्यार इतना ज्यादा ऐसे जैसे बहुत ज्यादा प्यार होता है ना एक लोगों का होता है इतना। सच्ची में मैंने नहीं कभी नहीं मैंने देखा अपनी लाइफ में नहीं देखा इतना सास बहू इतना ज्यादा प्यार। और वो उनको इतना मतलब अच्छे से ट्रीट कर रही थी इतना वो प्यार से उनके साथ बिहेवियर। और वैसे भी ना उनकी एज भी हमें इतनी ज्यादा नहीं है उनकी जो सास है ना सही है मतलब उन्होंने अपने आप को इतना मोटी भी नहीं है फिट भी रखा हुआ खुद को बहुत ज्यादा स्वीट सी हैं। और गुस्सा भी नहीं मुझे लगता उनको ना इतना ज्यादा आता। उनके बेटे भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं और जो सास और बहू सब फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी है। ऐसी ही सबकी होनी चाहिए तब ही तो घर में सुकून भी पैदा होता है जब आपकी फैमिली इस तरह से इतनी अच्छी हो। तो बहुत अच्छा लगा व्लॉग देख के। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हमारा व्लॉग कैसा लगा वो भी जरूर बताना। फिर आपको मिलते हैं।